कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। संसद ने बनाए हुए किसी भी लॉ को हटाना ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता ही नहीं है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है? उसको पता है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो आप लोगों ने भारत में 2014 में जो इलेक्शन हुई 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हैं उन लोगों का काम है। हा त्यांचा अधिकार आहे। सुप्रीम कोर्टाला माहित आहे की त्यांच्या कामात मी ढवळा ढवळ करू शकत नाही। मग अशी जजमेंट 20 मार्चला का येते? का येते सांगा? कारण 12 मार्चचा हा कायदा त्यांना लपवायचा आहे। 12 मार्चला एक कायदा झाला, जजमेंट झाली नाही, कायदा झाला। काय कायद्याचं नाव आहे? कायद्याचं नाव आहे द फायनान्स बिल 2018। हा कायदा संसदेमध्ये कसलीही चर्चा न करता पास झाला। 8 मार्चला मी माझ्या फेसबुक अकाउंटवर एक पोस्ट केली, नीरव मोदी पैसे घेऊन पळाला, विजय माळला पैसे घेऊन पळाला, आता तो रोटोमॅकचा पैसे घेऊन पळाला, आणि तेही मोठी मोठी रक्कम आहे, 5,000 करोड, 2,500 करोड, एवढ्या मोठ्या संख्येने पैसे देशाच्या बाहेर जात आहे। काही बँकर्स सोबत माझी बैठक झाली आणि त्या बँकर्सने मला माहिती दिली आणि त्या बँकर्सने सांगितलं जितकेही पैसे आज या देशातनं बाहेर जात आहेत ते 2019ला परत भारतात येतील आणि ते बीजेपीला जिंकवण्यासाठी वापरले जातील। हे पैसे हेतुपूर्वक भारताच्या बाहेर पाठवले जात आहेत। ये जो पैसा बाहेर जा रहा है ये खुद बीजेपी गवर्नमेंट बाहर भेज रही है ताकि 2019 में वो पार्टी को लाया जाए और उसके बाद 12 मार्च को ये कानून बना और कानून में लिखा कि इसके आगे फॉरेन फंडिंग पार्टी स्वीकार सकती है। इससे पहले FCRA बाहर प्रदेश से अगर डोनेशन स्वीकारना है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन की ऑथोरिटी नहीं थी। इन्होंने कानून बनाया कि इसके आगे हम पैसा ले सकते हैं। और कब से ले सकते हैं? 1976 से ले सकते हैं, आज से नहीं। सर काय 1976 पासूनचा कायदा बनवण्याचा अधिकार आपल्याला आहे? रोज इस देश का एक एक आर्टिकल हटाया जा रहा है। हमारा ध्यान वहां पर नहीं है, आमचं लक्ष बिलकुल तिकडे नाही आहे। रोज एक एक आर्टिकल नष्ट होतोय आणि